स्टेशन इज़ क्वाइट गुड एंड काफ़ी क्लीन है, सही है। बट यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ऑटो वाले सब भैया बस स्टैंड छोड़ दें, भैया यहाँ छोड़ दें, भैया वहाँ छोड़ दें करते रहेंगे। फाइनली जो वैक्सीनेशन था वो हो गया और एक इधर पड़ा, एक इधर पड़ा और एक पीछे पड़ा और दो साइड जो पड़ा वो तो ठीक है, पर पीछे वाला में लेके घोप दी एकदम, बाप रे बाप, मतलब बहुत दर्द कर रहा था। बट इतना सा हुआ कि चलो अब रिस्क नहीं है, वैक्सीन ले लिए तो सही है। अभी अब तीन बार और लेना है, क्या होगा पता नहीं, तीन बार और लेना है। एक बार लिए, एक अब 15 को लेना है, एक 18 को लेना है, फिर एक 8 को लेना है। 8 वाला तो भागलपुर में ही होगा और दो इधर अब देखते हैं पुणे में होता है या फिर सूरत में होता है, इन दोनों में जगह में से कोई एक में जगह होगा। तो अभी रौनक भाई की मम्मी ने हम लोगों के लिए ये फूड भेजा है और काफ़ी सही टेस्ट है इसका, कैसा लगा? बहुत सही। तो ये हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग को बस पकड़ के भावनगर जाना है। तो बस 8 बजे, बस 6 बजे है। सो अभी हम लोग सोचे थे वड़ा पाव खाने का और इधर देख सकते हो इतना सारा टाइप है वड़ा पाव का। हम लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए, मतलब हर टाइप का वड़ा पाव, जम्बो वड़ा पाव, मचाएंगे वड़ा पाव, गॉडफादर वड़ा पाव, बहुत बहुत सारा दिखाते हैं। सो ये है गॉडफादर वड़ा पाव और इसमें बहुत कुछ है, मतलब देख रहे हैं पूरा क्रीमी है, सॉस से पूरा भरा हुआ है। और इसमें क्या क्या रहता है आप बताइए ना, क्या क्या चीज़ वगैरह ही है, खाके टेस्ट करते हैं। सेजवान सॉस है, सेजवान सॉस है, चीज़ है, इसको खा के टेस्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसा है। इसका बड़ा मुंह भर गया, बहुत अमेजिंग है टेस्ट इसका। ट्रेन वाला बहुत बकवास था ट्रेन वाला बहुत ही बकवास था, लेकिन यहाँ पे ये वाला बहुत सही है, मतलब बहुत सारा फ्लेवर मुंह में फूट रहा है, अमेजिंग था ये वाला। बड़ा पाव कभी ट्रेन में मत खाना भाई, कसम से इंटरेस्ट चला जाएगा। हमें को लगा कि बहुत बकवास होता है बट यहाँ पे जब खाए ना अमेजिंग, क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए उसका नाम इतना दूर तक है फेमस वड़ा पाव, इधर का फेमस चीज़ है। सो हमारा जो बस आने वाला है वो इस साइड आने वाला है और तानिया ट्रेवल जो है उस साइड में है, तो वहाँ पे हम लोग का बस आ जाएगा। और अभी यही हमारे साथ थे, काफ़ी सही वड़ा पाव वगैरह था, सो उसके लिए थैंक यू। एंड इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ का जो फेमस है ऐसे खाखड़ा, क्या क्या, पापड़ा, जलेबी, ढोकला, पातरा, वो सब भी पैक करवा के दिया है। और अभी अब बस आएगा तो उस पर ये सब ट्राई करेंगे क्योंकि अभी पूरा फुल हो गया है, कोटा फुल है। सो यहाँ पर से ये जो आप बस देख रहे हो तन्ना ट्रेवल्स की, ये बस हम लोगों को भावनगर पहुँचाएगा। एंड बस का कुछ इंटीरियर ऐसा है, लाइट वगैरह लगा हुआ था, बहुत सही लग रहा था, मतलब एसी वगैरह लगा हुआ था, एसी बस था। एंड टीवी चल रहा था जहाँ पे मूवी चल रहा था। और हम लोग फाइनली भावनगर पहुँचे एंड वहाँ पर जो यहाँ सामने हमारे होस्ट को देख रहे हो वो हम लोगों को एक रेस्टोरेंट पर ले गए, गुरु कृपा रेस्टोरेंट। एंड उधर मतलब पानी भी ऐसा मिल रहा था, वैसे गुजरात ड्राई स्टेट है आप लोगों को बता दे, बस ये पानी ही है, ऐसा सफ़ेद पानी ही है। फाइनली हम लोग आ गए हैं और ये जो भाई साहब हैं ये हमारे होस्ट हैं। हेलो। सो अभी इनका ही होटल है और यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, होटल वर्गो, वर्गो होटल वर्गो। सो आइए आप लोग को यहाँ पे रूम दिखाते हैं। अभी रात के लगभग 12:30 हो रहे हैं तो हम लोग वहाँ से अहमदाबाद से आए और ये हम लोग को मतलब बीच रास्ते में ही मिल गए, तो वहाँ से हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए गए थे, फिर उसके बाद वहाँ से आए डायरेक्ट यहाँ पे।
सो ये कुछ रूम है ऐसा। अभी आप लोगों को फुल टूर देते हैं, पहले थोड़ा हम लोग सामान वगैरह रख लेते हैं। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट रूम टूर। यस, रूम टूर। सो इधर से पहले इधर से शुरू करते हैं। इधर एक मिरर लगा हुआ है गेट पे, देन आफ्टर आगे बढ़े तो इधर आपका लगेज स्पेस है। उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक वार्डरोब मिलता है जो कि काफ़ी सही है, और इसके अंदर एक सेफ है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो, एंड कुछ हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि अपना कपड़ा वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। देन आफ्टर आगे बढ़ें, दिस साइड वी विल गेट अ केटल, इलेक्ट्रिक केटल, जो कि अगर आपको चाय एंड कॉफ़ी वगैरह बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो। मूविंग डाउन वी गेट अ मिनी बार। यस, हियर इज़ अ फ्रिज, मिनी फ्रिज, दैट वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ मिनी बार। आफ्टर मूविंग अहेड वी गेट टीवी, एंड इधर बहुत सही स्पेस है, दो लोग आराम से बैठ के बात बात कर सकते हैं। फिर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक एसी मिल रहा है जो कि बहुत ही सही है, रूफटॉप एसी है। एंड बेड्स, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा मतलब डेलिकेट है और बहुत ज़्यादा आरामदायक है। लाइट्स इज़ अमेजिंग, एंड आपको बाथरूम दिखाते हैं, बाथरूम भी बहुत सही है। सो हियर वी गो फॉर टॉयलेट और वॉशरूम। वॉशरूम इज सो क्लीन, और मिरर बहुत सही है, मतलब पूरा क्लीन है। इधर आपको लाइट्स वगैरह के स्विच एंड सॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप ट्रिमर वगैरह यूज कर सकते हो। इधर शावर दिया हुआ है, इधर टॉवल्स हैं, एंड आई थिंक ये एग्जॉस्ट है। तो बहुत सही है यार, मतलब तगड़ा है। हेडिंग फॉर आवर लंच, एंड अभी पहले वेट करते हैं, हमारे जो होस्ट हैं वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लंच के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे इधर वेट करते हैं। एक्चुअली वो बोले थे कि नीचे आप रेस्टोरेंट में वेट कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही हम लोग वेट कर लेते हैं। सो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, एंड हमें लगा कि ये ऊपर है, बट ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और इसके नीचे बेसमेंट है। सो हम लोग आ गए यहाँ पे, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर होस्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है। फ़िलहाल तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। हियर इज़ अवर टू डेज ब्रेकफास्ट मेन्यू, एंड डेट इज़ 12/1/2021। सो वी आर क्वाइट कन्फ्यूज दैट वॉट वी हैव टू ऑर्डर। सो आई वुड लाइक टू वेट फॉर आवर होस्ट, देन वी विल ऑर्डर। ओके, सो फाइनली आ गए, एंड गुड मॉर्निंग, एंड हम लोग फाइनली ऑर्डर कर दिए हैं। ये पराठा ऑर्डर किया है, एंड मैंने चोकोफ्लेक्स विथ हॉट मिल्क ऑर्डर किया है। सो ट्राई करते हैं, देखते हैं फूड कैसे आपको बताते हैं टेस्ट करके। मॉर्निंग में हम लोग वही 8-9 बजे के आसपास उठे थे, उसके बाद फिर ब्रश व्रश किए, फिर नीचे आए, अब जाके स्नान वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है इनका 1-2 बजे के आसपास ये फ्री होंगे, तो उसके बाद हम लोग आसपास में ही कहीं 1-2 जगह ड्राइव पे चलेंगे। सो मेरा तो फ्लेक्स आ गया, बट यू गाइस हैव टू वेट। तो हम शुरू करते हैं, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी मतलब सुबह खाने वाले, मॉर्निंग में खाने वाले आदमी हैं। सो आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी आर हेडिंग टू विजिट सम प्लेसेस इन भावनगर, और मैंने गूगल वगैरह पे देखा यहाँ पे कुछ विक्टोरिया पार्क वगैरह करके 1-2 जगह है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। और जस्ट अभी हम लोग निकले ही हैं, तो उधर पहुँचते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं जो भी सीन होता है। सो हमारे जो होस्ट थे उनको एक फ्लैट लेना था,
तो वही अभी हम लोग देखने आए हैं इधर। नॉट बैड, फ्लैट बढ़िया है और लाइट वगैरह इधर से काफ़ी सही आएगा। ये है सीन्स कुछ ऐसे हैं अभी। एंड ये देखो, माय गॉड अमेजिंग, मतलब बहुत सही है यार। इस साइड से पूरा सिटी आपको लगभग दिखेगा और छोटे 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 पूरा बिल्डिंग आपको दिखेगा, जो कि रियली बहुत ही अमेजिंग है। सो अभी हम लोग सोचे क्यों ना कुछ खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा घुमा फिरा जाएगा। तो अभी भाई ने हमारे लिए ऑमलेट मंगवाया है एंड ये खा रहा है बॉइल्ड एग, जिम वाला लड़का। और आप क्या मंगवाए? मैंने अंडे की भुर्जी मंगवाई हुई है। अच्छा सही है, तो यहाँ का ऑमलेट टेस्ट करते हैं। मतलब कलर इसका थोड़ा अलग है, वहाँ पे क्या होता है बहुत सादा रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा कलर अलग है। ये लोग बेसिकली चाट अच्छा। मसाला इसमें थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। चाट मसाला डालते हैं ऑमलेट में? ये आप ऊपर भी देख पा रहे हो, जो मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है वो चाट मसाला है, एंड इसलिए थोड़ा चटपटा अलग सा टेस्ट होता है। ट्राई कीजिए आप। मतलब हम लोग का वहाँ जो ऑमलेट बनता है ना वो बहुत सादा बनता है, उसमें अगर नमक वगैरह डाल के कर देता है। ओके ओके गरम ही सोई। सो हम लोग अभी ऑमलेट वगैरह खा रहे थे, उसके बाद जब आगे बढ़े तो इधर क्या सिस्टम है कि इसमें हम लोग अपने यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं गाड़ी में। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कुछ, अपना मेमोरी देख रहे थे, वो देख के काफी मतलब हंस रहे थे, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं अभी। फिर आप लोगों को बताते हैं आगे का। ये वाला वीडियो चल रहा था और ये रास्ता इधर, मतलब जो वो आ रहे थे ना हिचाई करते हुए, वही वाला है। आजा आजा आजा। और यहाँ पे भाई लग गया, नीचे गिर गया था, मतलब एकदम इसका किधर लगा, किधर लगा ये लड़का, वो ट्रक से उतरने का इधर उधर पकड़ना है उधर। अपने लोग मतलब ऐसे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, अभी रास्ता पे थे तो सोचे चलो कुछ करते हैं। ये वीडियो देख रहे थे साला, बातिक नुकुर गिर गया। ज्यादा लगा तो नहीं ना। सो अभी हम लोग डाब पी रहे थे और ये पूरा भरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा ऐसे सेक होगा तो गिरने लगेगा, उसका वाला भी भरा हुआ है और इधर इनका भी। तो अभी हम लोग जस्ट ये लिए ही है और इसको कंप्लीट करते हैं। सो अभी क्या है कि ये फ्लैट वगैरह देख लिए, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। सुन रहे हैं गाली सुनेगा तुम, देसी जुगाड़ साला बीमार पड़ गया है, ट्रैवलर बनेगा। अभी तक इतना एक्सट्रीम ट्रैवलिंग किया है, चेकिंग किया, कुछ नहीं हुआ और ये होटल आके साला बीमार पड़ गया है। अभी इसको गरम पानी मतलब ठंडा पानी का पट्टी दिए हैं। दिखा मम्मी देख, और हाँ मम्मी देख, और ये यहाँ पे मेरे को मना इसलिए कर रहा था कि अगर इसकी मम्मी देख लेगी ऐसे बेटा बीमार पड़ा हुआ है, तो पहली बात तो आंटी टेंशन में आ जाएगी और दूसरी बात इसको वापस दूसरे जगह जाने के लिए ही नहीं मिलेगा बेचारे को। अभी टाइम हो रहा है 9:30 एंड हम लोगों ने रूम का कचरा कर दिया है, लिटरली बहुत गंदा हो गया रूम, मेश बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो हम लोग आने के बाद, होटल आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे थे एंड नींद लग गया था, सो गए थे। फिर मेरे होस्ट ने खाना भेजा है जो कि उधर रखा हुआ है, तो हल्का खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, हल्का ही खाएंगे। सो क्योंकि थोड़ा हाजमा का ध्यान रखना पड़ेगा तो हल्का खाएंगे। और ये लड़का सोया हुआ है अभी, सो खाना खाते हैं। Let me see what is in the food. इधर आपका सैलेड है, देन आफ्टर ये आपका पनीर बटर मसाला, एंड इधर क्या है, इसमें आई थिंक लच्छा पराठा। या सो फूड में आज ये है एंड
खाते हैं।